अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम फैसल है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा लेके आया हूँ, जो कि मौसम बदल रहा है और मौसम बदलते के साथ ही बच्चों को खांसी की शिकायत हो रही है, खुश्क खांसी, किसी को खुश्क खांसी है, किसी को बलगमी खांसी है, तो उनके लिए एक मैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मुजर्रब नुस्खा लेके आया हूँ, जो कि ये नुस्खा मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ये फरमाइश के मुताबिक नुस्खा है। बहुत ही ख्वातीन हजरात के मेरे पास मैसेज भी आए और बहुत ही जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनके बहुत मैसेज आए कि हमें कुछ ख़ास तौर से बच्चों की खांसी के लिए एक नुस्खा बता दें और हम जो अपने घर में बना लें, क्योंकि हम बच्चों की खांसी को ठीक कराते कराते एलोपैथ दवा खिलाते हुए बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारे बच्चों की खांसी ठीक नहीं हो रही। तो उन हजरात के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन और मुजर्रब नुस्खा लेके आया हूँ, तो इंशाल्लाह बनाएंगे तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे और अपने घर में ही आप इस नुस्खे को बना सकते हैं। नुस्खा नोट कर लीजिएगा, आपने लेनी है नौशादर ठीकरी, यानी कि नौशादर की डली आती है वो आपने लेनी है 20 ग्राम। आप नौशादर ठीकरी 20 ग्राम ले लें, साथ में आप ले लें मुलैठी 20 ग्राम, तीसरी चीज आप ले लें इसमें दालचीनी 10 ग्राम। या आप तीनों चीजों को बहुत बहुत अच्छे करके पाउडर बना ले, बहुत ही जबरदस्त करके अलग अलग पाउडर बना ले, और इसका तीनों चीजों का पाउडर ऐसे बनाना है कि बिल्कुल मैदे की तरह पाउडर बना लेंगे आप। इसका पाउडर बनाने के बाद में आप इसको एक जगह मिक्स कर लें, तीनों चीजों को एक जगह अच्छे से मिक्स कर लें बढ़िया करके किसी चम्मच वगैरह से, या चाहे आटा छानने की छन्नी आती है आप उसमें छान सकते हैं बढ़िया करके, 2-3 से 3 बार इसको छान लें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा वाला मिक्स हो जाएगा। दूसरी चीज, इसको इस्तेमाल करने का मैं तरीका बता दूं आपको, इसको इस्तेमाल करना है आपने सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी से, यानी कि पानी को हल्का गर्म करके आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप इसको इस्तेमाल कराएंगे और इसकी जो खुराक है वो 1 से 2 चनी की बराबर खुराक है। आप 1 से 2 चने बच्चे को खिला दें और ऊपर से मीठा पानी या शहद में मिलाकर आप इसको खिला सकते हैं, ऊपर से गुनगुना पानी पिला दें, तो आप इसको पिलाएंगे तो इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर आपकी जो बच्चे की खांसी है, खुश्क खांसी हो या बलगमी खांसी हो, इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये मेरा मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा है, आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इस ये नुस्खा है, बनाएं और दुआ में याद रखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने घरों में आप इसको हमारे नुस्खों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। हम आपके लिए जो भी नुस्खे लेके आते हैं वो आप बहुत ही आसानी से कहीं से भी आप लेके इसको बना सकते हैं, और जब मुजर्रब नुस्खे होते हैं तो बनाएं और दुआ में याद रखें। आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप हमसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे मैसेज में बात कर सकते हैं, और कोई भी आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इंशाल्लाह हमसे राबता करें और आपकी बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम आपका मैसेज का जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।